वेलकम बैक टू ट्रेंड्स विंड न्यूज। दोस्तों, आज का वीडियो जया बच्चन के बर्थडे पर आधारित है। आइए जानते हैं उनके लाइफ स्टोरी के कुछ खास लम्हे। आज की कहानी है उस लड़की की जो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल की एक होनहार स्टूडेंट थी और पढ़ाई के साथ एनसीसी से भी जुड़ी हुई थी। बहुत दिल लगाकर मेहनत से हर काम करती थी। पिता पत्रकार थे, अंग्रेजी अखबार के लिए लिखा करते थे। एक बार उन्हें सत्यजीत रे से साक्षात्कार के लिए कलकत्ता जाना पड़ गया। वो अपने साथ अपनी इस होनहार प्रतिभावान बेटी को भी साथ ले गए। सत्यजीत रे ने अपनी बेटी का परिचय करवाया। बेटी ने ढेर सारी बातें भी की। साक्षात्कार संपन्न हुआ, लंच किया और उसके बाद कलकत्ता भ्रमण कर बाप बेटी वापस भोपाल लौट आए। कुछ दिनों बाद सत्यजीत रे का टेलीग्राम मिला तो मालूम चला कि वे एक नई फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो पत्रकार महोदय की होनहार बेटी को एक रोल में कास्ट करना चाहते हैं। पिता ने बेटी को सत्यजीत रे के तारका सारांश बता दिया। लड़की के मन में कई सवाल उठ खड़े हुए। उसके स्कूल के लोग क्या सोचेंगे? दिमाग में अजब गजब ख्याल दौड़ रहे थे। दुविधा की स्थिति को भयंकर भाप कर पिता ने समझाया कि संशय को दूर करो और सत्यजीत रे की फिल्म में एक्टिंग कर लो। तो फिर पिता की बात मानकर उसने केवल 15 वर्ष की आयु में सत्यजीत रे निर्देशित बंगला फिल्म महानगर में अभिनय किया और अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उसने निर्णय ले लिया कि वो अब एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगी, इस क्षेत्र में अपना उज्ज्वल भविष्य तलाश करेंगी। जब उसने सत्यजीत रे से पूछा कि उसे किस एक्टिंग स्कूल में जाना चाहिए तो सत्यजीत रे ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक्टिंग ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। एक महान निर्देशक से प्रशंसा सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता था, लेकिन इस लड़की को मालूम था कि मंजिल अभी दूर है, बहुत आगे बढ़ना है। इसी बीच 1966 में उनका चयन हुआ सर्वोत्तम एनसीसी कैडेट के रूप में, जिस अवार्ड को 26 जनवरी के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रदान किया गया। लेकिन उसका निर्णय अब अभिनेत्री होना था, सो निश्चय करके उसने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स के लिए आवेदन दे दिया, जहां उसका सिलेक्शन भी हो गया। बहुत मेहनत से उसने जो सीखा जा सकता था सब सीख लिया। फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के दौरान ही निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी ने इस लड़की को अपनी एक फिल्म में हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया, लेकिन संस्थान के नियम अंतर्गत वो बाहर काम नहीं कर सकती थी। इस वजह से इस सुनहरे मौके को उसे मना करना पड़ा, लेकिन इस लड़की की प्रतिभा इंस्टीट्यूट में सबकी नज़र में आ चुकी थी। इसलिए ट्रेनिंग की समाप्ति पर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जगत मुरारी ने इस होनहार लड़की का नाम प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचा दिया, जिन्हें अपनी नई फिल्म के लिए एक नई सशक्त अभिनेत्री की तलाश थी। लेकिन इस लड़की की प्रतिभा इंस्टीट्यूट में सबकी नज़र में आ चुकी थी, इसलिए ट्रेनिंग की समाप्ति पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जगत मुरारी ने इस होनहार लड़की का नाम प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचा दिया, जिन्हें अपनी कई नई फिल्म के लिए एक नई सशक्त अभिनेत्री की तलाश थी। अपनी पहली फिल्म के आते ही ये लड़की सबके दिलों पर अपनी अदाकारी के कारण छा गई और फिर एक के बाद एक सफल फिल्में देकर गुजरे कल की बेस्ट एनसीसी कैडेट बन गई स्टार अभिनेत्री। 1992-93 में आपसे भेंट हुई और उसके बाद आपने सदैव मुझे आशीष और प्रेम दिया, हमेशा मेरी प्रतिभा की कद्र की। 1993 में जब मैंने आपको ये कहानी सुनाई तो आपने, तब आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष हुआ करती थी, आपने मुझे फिल्म का निर्माता और निर्देशक बना दिया। यह फिल्म थी अब है, जिसे मैंने ग्रेट ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द कैंटरवेली घोस्ट पर आधारित करके बनाया था और इसी फिल्म के लिए मुझे अपने जीवन का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है 1 फरवरी 1995 का वो दिन,
जब सीरी कोर्टफोर्ड सभागार में इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया था, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी को विशेष तौर पर आपने बुलाया था। फिल्म चलने के लगभग 10-15 मिनट के बाद अपने फिल्म रुकवा दी थी। मुझसे कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी तुम्हारे पास बैठकर फिल्म देखना चाहती हैं, ताकि तुम हिंदी संवाद का इंग्लिश में सही अनुवाद करके बता सको। और मैंने उन्हें हिंदी के करुणा शब्द को यीशु मसीह का रेफरेंस देकर समझाया था। वे बहुत खुश लग रही थी। आपसे शायद इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया हो। आपका सदैव ऋणी रहूँगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक बटन के साथ सबमिट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।